सच में फटी पड़ी है सब भाई, फट के चार लाइट करा दो 100 रुपए और ले ले भाई। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका होस्ट दिशु खन्ना और स्वागत है आपका मेरे चैनल दिशु व्लॉग्स में। तो दोस्तों इस टाइम बज रहे हैं घड़ी में सुबह के 4 और मैं पहुंच चुका हूं देहरादून। और देहरादून से अब यहां कहीं निकलने हमें एक और जगह है जहां जाना है, जहां से हमारा बेस कैंप ट्रेक स्टार्ट होगा मेन। तो अब हम वहां के लिए निकलेंगे, तो अभी नहीं बताऊंगा, देखते जाओ व्लॉग अंत तक बने रहो, बहुत मज़ा आने वाला है, ट्रेक बहुत मस्त होगा। और यहाँ पे आके पता लग रहा है कि यार ठंड थोड़ी बढ़ गई है और मौसम थोड़ा बदलाव है, मतलब टेम्परेचर थोड़ा गिर गया है और दिल्ली से थोड़ी ठंड है। यहाँ पे दिल्ली में तो बहुत गर्मी थी, अब यार ठंड लग रही है मुझे और जैकेट लग रहा है मुझे निकालनी पड़ेगी बैग से। बाकी आप पीछे भी देख सकते हो थोड़ी बहुत फॉग वगैरह दिख रही है, तो मज़ा बहुत आएगा। तो अंत तक बने रहना, शायद हमें स्नो भी मिल सकती है, तो स्नो में ट्रैकिंग का अलग ही लेवल का मज़ा होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। साथ ही साथ हमारे साथ हो गई एक ट्रेजिडी, हमें लगा था हम पहुँचेंगे 5-6 बजे तक, हमने कैब वाले को टाइमिंग दिया था कि भैया 6 बजे आना, अब हो रहे हैं 4:15, अब 6 बजे तक बैठे यहीं पे। तो तब तक देखो क्या इन्जॉयमेंट, क्या कुछ सॉल्यूशन वगैरह निकालते हैं, कुछ बढ़िया सा सॉल्यूशन की भाई क्या करें, गप्पे शप्पे मारते हैं थोड़ी। हमारे जो ट्रैवलर्स मेरे साथ हैं दूसरे, तो उनको भी मिलवाता हूँ अभी इस व्लॉग में आपको भी। तो भाई लोग हमारे साथ है हमारे एक दोस्त विशाल भाई, ये जयपुर से है और ये ट्रैवलर है और ये जयपुर से पहले दिल्ली आए, अब दिल्ली से देहरादून अब आगे हमारे साथ जाएंगे। कैसे विशाल भाई? आई एम वेरी फाइन, बहुत मजा आ रहा है और हल्की हल्की ठंड भी हो रही है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रैक। ये देखो एक खुद चाय पकड़ के बैठे की ठंड हो रही है, तो मजा बहुत आने वाला है, अंत तक बने रहना। ऐसे ही विशाल भाई भी और ये हमारे साथ एक और भाई है, कैसे है विक्रम भाई? ये हमारे विक्रम भाई और पीछे हमारे अनुराग भाई जिनसे आप मिल चुके हो पिछले ब्लॉग में, तो कैसा लग रहा है आप? चाय पी लो यार, ठीक है मैं डिस्टर्ब नहीं करता। देहरादून से आगे और मंसूरी भी पार हो चुका है, मसूरी से ऊपर निकल रहे हैं हम, अब जा रहे हैं पंटवारी। पंटवारी से हमारा आगे का है एक जगह जहाँ हम ट्रैक करने वाले हैं, तो मज़ा बहुत आने वाला है। यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, व्यू बहुत सेक्सी है यहाँ का भाई साहब, व्यू चेक करो यार बहुत सही। ये देखो ये हमारे विक्रांत भाई को व्यू में मजा आ रहा है, फोटो खिंचवा रहे हैं व्यू में, कम कैंडिड फोटोग्राफी में ज्यादा मजा आ रहा है। ये देखिए इनको मजा आ रहा है और ये हमारे भैया लेसेस बांधने में लगे, कैसे हैं आप? ठीक है, ठंड लग रही है, तो नीचे बैठ गए ठंड के मारे फट रही है उनकी। ये विशाल भाई हमारे फोटोग्राफर साहब, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? आई एम फीलिंग अमेजिंग। ठंड लग रही है? नहीं लग रही उतनी, नहीं लग रही, पर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप भी थोड़ा बता दीजिए। अरे कैंडिड फोटोग्राफी है ये तो कैंडिड बीसी है भाई। तो चलो बने रहो, अभी बहुत मजा आने वाला है, ट्रैक करते टाइम भी बहुत फन होने वाला है, तो बने रहो यार, क्या बोलना पड़ेगा क्या बने रहने के लिए भी। सो हम पहुंच चुके हैं पंतवारी विलेज और यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा नागटिब्बा का ट्रैक, जो है 5 किलोमीटर बेस कैंप के लिए नागटिब्बा का। उसके बाद बेस कैंप से 5 किलोमीटर और ऊपर जाना पड़ेगा हमें। बाकी बैग मैंने हल्का कर दिया, जो मेरे रक्सैक में लाया था वो हल्का कर दिया, आप पीछे देख ही सकते हैं मेरा रक्सैक हल्का हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फाइनली 100 मीटर के बाद हालत डाउन हो चुकी है सबकी, मैं अकेला नहीं हूँ यार। स्टार्टिंग में तो बताया ही नहीं तुमने कब शुरू किया 100 मीटर, उनको कैसे पता लगे? तो आप बता दो, आप बता दो क्या बताएं। देखो 100 मीटर नहीं 50 मीटर हुआ है, गांव से बाहर निकले हैं और ये सारे बैठे हैं सभी लोग। वी आर बीइंग फॉलोड बाय दिस ब्यूटीफुल हॉर्सेस, ये हमारे साथी लोग कुछ पीछे देख सकते हो कैमरे में दिखा रहा हूँ, ये भी आ रहे हैं, इनकी मदद लेंगे अगर कुछ जरूरत पड़ती है। हाँ जरूर, बट मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले बताया तो मैं कर लूंगा, इतना मेरे को पता है, मेरे में इतना दम है कि मैं कर लूंगा। चलो मिलते हैं बाद में। सो 1.5 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट कैलकुलेशन नहीं करी अभी, हालत ये है बैड बजी पड़ी है। That's not legit. Why?
तो फाइनली आधा ट्रैक हमने कॉन्कर कर लिया है, आधा अभी और बचा है, वो भी कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है। Still tired. हमारे साथ विक्रांत भाई बने हुए अभी। Hi. कैसा लग रहा है? I'm still tired, यार. कैसा लगा इतना ट्रैक करके? 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो चुके हैं, पसीने हो चुके हैं, लेकिन काफी अच्छा लगा। इट्स रियली टायरिंग। तो व्यू देख लो। इनटू द गोट विलेज राइट नाउ। हां, हम गोट विलेज पहुंच चुके हैं। तो हमें गोट विलेज में गोट भी दिख गई सामने। थोड़ा फोकस करके दिखाई देता हूं हमारी गोट। तो हमारे साथ है सुरभि। तो हाय सुरभि, कैसे हो आप? I'm very good. I'm feeling very excited. It's my first trek. Okay. मजा आ रहा है, मतलब आपको अच्छे से? Yes. वैसे मुझे लगा नहीं था कि आपका फर्स्ट ट्रैक है, क्योंकि मेरी हालत खराब हो गई है। मैं जबकि ट्रैक रेगुलर करता हूँ, और आपकी हालत देख के लग रहा है फुल। हालत तो सबकी खराब है, आई गेस। हाँ, हालत सबकी खराब है, बट मजा बहुत आ रहा है। यस, यस, डेफिनेटली। तो चलिए चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं। बाय। तो भाई लोग, बात ऐसी है, हो चुके हैं 4 किलोमीटर हमारे डन। 4 किलोमीटर हो चुके हैं हमारे डन। अभी हम थे गोट विलेज में। अब गोट विलेज से निकले हैं, गोट विलेज से आगे जा रहे हैं। गोट विलेज से आगे अब हमारा बेस कैंप है, जो अराउंड 1 किलोमीटर है। इससे ऊपर नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली। बाकी ट्रैकिंग कर रहा हूँ अभी, बाकी तब तक लो व्यू का थोड़ा आनंद। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं बेस कैंप ऑफ नागटिब्बा ट्रैक। 5 किलोमीटर है नीचे से, पटवारी से ट्रैक स्टार्ट होता है, 5 किलोमीटर बेस कैंप का है। और नागटिब्बा समिट के लिए 5 किलोमीटर आपको और ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी बेस कैंप पहुंच चुका हूँ फाइनली। फटी बड़ी है, बट मज़ा बहुत आया। सही बताऊँ तो ट्रैकिंग में वैसे ही बहुत मज़ा आता है मुझे, काफ़ी ट्रैक करे हैं अब, इसमें मज़ा आ रहा है। उत्तराखंड का पहला ट्रैक है, मतलब पहले एक हाइक करी थी मुक्तेश्वर में, तो उत्तराखंड के पहले ट्रैक में बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी नज़ारे दिखा दूँ बेस कैंप की तरफ। तो दिस इज़ अवर लंच, बहुत टेस्टी लग रहा है। क्या ये? आलू की सब्ज़ी, नाइस, विद खीरा, चपातीस, एंड दिस इज अचार। ओके, ठीक है, डालते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। पिछला पार्ट 1 और पार्ट 2 था ये। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बता देना कैसा लगा व्लॉग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे रेड रेड बटन है, उसको सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर प्रेस करना। चलता हूँ।